हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीवो X70 प्रो के बारे में जानने वाले हैं, नेटवर्क सेक्शन और प्लस ब्लूटूथ वाईफाई जीपीएस। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोग भाइयों को जो नए हो तो उनको अगर कोई सेक्शन के बारे में पता नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो रहती है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी है, ये सब वोल्टेज आपको चेक कर लेने हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके के कनेक्शन है। 5G फ़ोन है ये हमारा, और ये इधर में नेटवर्क आईसी लगी हुई है, बेसबैंड वाली, ये वाली बेसबैंड आईसी लगी हुई है यहाँ पे। और उसके बाद इधर PFO 4G एंटीना लगे हुए। तो इस तरीके का ये हमारा कुछ मदरबोर्ड का सर्किट डायग्राम है। आप ये सब चेक कर लीजिएगा कि आपका जो मेन मेन वोल्टेज है, जैसे कि ये वाला मेन वोल्टेज हो गया रेड वाला, ये दिख रहा है वोल्टेज लाइन, तो ये सब आपको चेक कर लेनी। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा यहाँ पे तो भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ये दोनों वोल्टेज चेक कर लेने हैं कि ये आईसी से आ रहे हैं एक कैपेसिटर के थ्रू होते हुए। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो भी नेटवर्क नहीं आएगा। कई बार ये नेटवर्क की पावर आईसी है तो ये भी ख़राब होने की वजह से नेटवर्क नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी। कई बार पानी चले जाता है, ज़्यादातर ये आईसी ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब आ जाते हैं हमारे ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आऊँगा तो एक बार और देख लीजिए अच्छे से, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो ब्लूटूथ वाईफाई का कुछ इस तरीके का डायग्राम है। तो ब्लूटूथ वाईफाई में सिंपल एक आईसी लगी हुई रहती है और कुछ नहीं रहता है दादा, ये आईसी सभी काम करती है। ब्लूटूथ वाईफाई तीनों काम ये एक साथ, यही आईसी सिंगल आईसी कर रही है हमारी। तो बस कुछ इस तरीके का है, और एक एक सिग्नल CPU से मिल रहा है GPS वाला, बस इतना ही था ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। Thank you.